हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई, आपकी एक कमेंट ले लेते हैं जो आपने मुझे पूछा हुआ है हमारे ही सब्सक्राइबर ने। तो वो कह रहे थे कि यार, टीवीएस के जो रेड उसमें वाइट कलर में लिखा हुआ है टीवीएस, तो वहाँ पे यार उनको कोई इशू आ रहा है आवाज़ से रिलेटेड। तो यार वो इशू को मैं अभी इसकी आवाज़ को उनको क्लियर हो जाएगा शायद वीडियो के राही, कि मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ कि आवाज़ वो सुनना चाहते हैं, तो वो इसी पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और इसकी कोई भी चीज़ है यार, मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं इसके ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको बता चुका हूँ। तो यार अभी मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी साउंड, क्या पता जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कोई प्रॉब्लम आ रही होगी उनके जुपिटर में, शायद वो क्लियर हो जाए। तो उसको चलिए और उसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो यार अभी मैंने स्टार्ट कर लिया जुपिटर, तो मैं माइक की हाल लगा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे भी लगा कर दिखा देता हूँ उसको। भाई ऑटो मोड पे, इसलिए ऑटोमेटिक बंद हो गया। पहले मैं ऑटोमेटिक ऑटो मोड को पहले बंद कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी मैं आपको साइलेंसर की साउंड सुना देता हूँ। राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड लगा के चेक करा दिया है। अब शायद उनको इस वीडियो के माध्यम से उनको कोई जो डाउट्स होंगे यार, उनको शायद कोई दिक्कत आ रही है, शायद वो क्लियर हो जाए। तो यार अपने माइक को वापस अपने उसी जगह पर लगा लेते हैं और यहाँ से जुपिटर को बंद कर लेते हैं। तो यार मैंने तो उनको ये चीज़, वो कह रहे हैं साउंड के ऊपर वीडियो बनाओ, वो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, क्योंकि उनके कमेंट्स, एक ही कमेंट वो 3-4 बार कह चुके हैं। तो मैंने उनकी, इनके लिए वीडियो बना दी है भाई। तो ये तो बिल्कुल ही छोटा सा क्लिप था यार जो इसके ऊपर था, ठीक है। बाकी तो यार चलाने में तो बिल्कुल स्मूथ है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना भाई, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम हिली एरिया पे, जो पड़ेगा हमारा मोरनी पंचकुला के अंदर। मोरनी पंचकुला में, क्योंकि वहाँ की जो है तो भाई पहाड़ी एरिया है, वो थोड़ा ऐसे है, अप डाउन वाला है, जैसे ऊपर चढ़ते फिर नीचे आती है, कि असली माइलेज का तो देखो उसी पे ही पता लगेगा भाई इसका, ठीक है। बाकी मैं इसको 1 महीना 20 दिन हो चुके हैं मुझे लगातार चलाते हुए, तो मुझे, मैं देख, मुझे अगर इसको मैं 70-80 भी अभी राइड करके आया हूँ स्पीड, तो मुझे यार 45 ही दे रही है, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा लॉन्ग रूट पे लेके चलता हूँ, मान लो 50, 60 या 100 किलोमीटर का सफ़र होता है, तो उसमें मुझे इसके अप्रोक्स 50 km/h की इसकी माइलेज मुझे मिल जाएगी। पर यार ये चीज़ यार, मुझे 45 मेरे लिए कोई एवरेज वो नहीं है, बिल्कुल ख़राब नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ भाई इस माइलेज में। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो माइलेज के ऊपर ही होगी, जिसमें आपको ना तो हम सिटी में राइड करके दिखाएंगे ना हाईवे पे, वो हम बनाएंगे भाई सीधा हिली एरिया पे। उसमें ही एक्चुअली में पता लगेगा कि माइलेज असली में कितनी है, क्योंकि यार जब हम अपनी स्कूटी हिली एरिया पे चढ़ेगी, उस टाइम पक्का भाई फ़र्क तो पड़ेगा भाई, क्योंकि यार CVT ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग, तो यार ये जो गियर है वो ऑटोमेटिक चेंज होते हैं भाई, तब इसको ऑटो CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो यार अब इसको वहीं पे चलाएंगे, वहाँ पे क्या अप डाउन आते हैं, किस टाइप का माहौल है, क्या कंडीशंस आती हैं, वो सारी कंडीशन मैटर करती हैं, तो तभी हम इसकी असली माइलेज आपको बता पाएंगे। तो भाई रेडी रहना भाई हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो सी होगी माइलेज के ऊपर, ठीक है। और बाकी और मुझे कमेंट आ रहे हैं कि यार आप उस पर वीडियो बनाओ मीटर के ऊपर, तो मीटर की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आप अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार। तो यार अब जो आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, वो आपके ऊपर यार कमेंट्स आए थे, तो